तुषार कपूर बेटे को नहीं दिखाना चाहते हैं अपनी फिल्म में, बताई ये वजह। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर ने अपना करियर साल 2000 में फिल्म मुझे कुछ कहना है से शुरू किया था। इसमें उनके काम को काफी पसंद किया गया था। हाल ही में तुषार ने एकता कपूर की वेब सीरीज बू सबकी फटेगी से डिजिटल डेब्यू किया है। इस हॉरर कॉमेडी सीरीज को मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही है। इन दिनों वो काम के अलावा अपने बेटे लक्ष्य के साथ टाइम स्पेंड करते नजर आते हैं। तुषार का कहना है कि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा लक्ष्य उनकी फिल्मों को देखे। इस बात के पीछे की वजह भी उन्होंने बताई। तुषार ने कहा कि मैं पिता बन चुका हूँ, मैं सुनिश्चित करता हूँ कि जब भी उसे मेरी जरूरत होगी मैं वहीं पर मौजूद रहूँ। कई बार देखा गया है कि तुषार बेटे को फिल्म सेट पर ही लेकर पहुँच जाते हैं। उनका कहना है कि वो अपने बेटे को प्रोफेशन के बारे में बताने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। तुषार ने कहा कि मैंने उसे बॉलीवुड से दूर रखा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरी फिल्म को देखे, कम से कम अभी के लिए नहीं। मेरी माँ ने उसे सिम्बा फिल्म का आंख मारे सॉन्ग दिखाया जिसमें मैंने अभिनय किया था। इस पर उसने कहा, ये तो आंख मारे के पापा है, मैं चाहता हूँ कि वो बच्चों वाली चीजें देखे, जैसे कि कार्टून और कार्टून जैसी फिल्में देखे। इंटरव्यू के दौरान तुषार कपूर ने अपने काम को लेकर भी बातें की। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि पिता बनने के बाद मैं कम काम करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं हर तरह की फिल्में करने के लिए हाजिर हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।